अभी अभी मुझे पता चला कि ये जो FIR लगाई गई है ये शुपैया मेरे सदौ में जो मेरी जमीन है उसके बदले सदौ की ये जमीन कंट्रोवर्शियल रही है हमेशा मेरे लिए, मगर मेरी पोजीशन वही है वहां जो 1971 में जब मैंने ये खरीदी वो थी। एक इंच जमीन भी ट्रांसफर नहीं हुई, कोई रोशनी का इंतकाल नहीं हुआ, तो फिर केस कैसा? जब कि ये पिछले 4 साल से जेरे तफ्तीश थी विजिलेंस डिपार्टमेंट या ACB, उन्होंने भी जो ऑफिसर जिनको इन्वॉल्व किया गया था उनको नो ऑब्जेक्शन दे दी। सबसे बड़ी बात है कि जब जमीन ट्रांसफर ही न हो तो गफला कहां से? जमीन रोशी का कोई इंतकाल ही नहीं हुआ, इसको पहले भी ये केस जो था ACB में BJP ने भेजा था, आज भी ये केस जो है BJP के इस पे लगाया गया। ये सियासी इंतकाम गिरी के बगैर कुछ नहीं, ये पिछले सिर्फ ये कि जब भी मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो इस जमीन का मसला आ जाता है। 2008 में आया, 2014 में आया, आज फिर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये रोशी स्कैम कहते हैं कि लोगों ने सस्ते दामों जमीन ली। जब मैंने कोई जमीन ली नहीं, जो पोजीशन जब मैंने खरीदी थी जो उसके साथ जमीन थी 1971 में आज भी वही, और जंगलात कभी ये साबित नहीं कर सका कि इसमें हमारी जमीन है। ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया उसके बाद इस पर बाजाबता 3-4 बार निशानदेही हुई, मगर कभी साबित नहीं हुआ कि इसमें जंगलात की जमीन है। हाँ, कुछ कोने पे है, मैंने कहा ले जाओ, उन्होंने कहा जी हम उठा लेंगे। बस सबसे बड़ी बात है रोशी स्कैम। कौन सा स्कैम? मेरे नाम इंतकाल ही कोई नहीं हुआ, जमीन ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो स्कैम कहां से होगा?